पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम अभी कर रहे हैं संधि का काम और आज हम विसर्ग संधि के अंतर्गत पहली संधि ला रहे हैं, रुत्व संधि, अर्थात जिसमें विसर्ग बदल करके रा हो जाता है। तो चलते हैं सीधे आज की वीडियो के साथ। रुत्व संधि जिसमें विसर्ग का रा होता है, इसका सूत्र है स सजुषो रुह। इसके दो नियम हैं। पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले आ आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हों, अर्थात आ और आ के अलावा अन्य स्वर विसर्ग से पहले होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में कोई स्वर, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो सकता है, या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, और या, रा, ला, वा, हा, ये अक्षर होते हैं तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो जाता है। हलंत रा मतलब उसमें कोई स्वर नहीं होगा। रुत्व संधि के नियम को और विस्तार से समझते हैं। विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए। कौन से स्वर? आ और आ के अतिरिक्त। आ और आ के अतिरिक्त तो अब कौन से स्वर बच गए? छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, री, 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 ए, आई, ओ और औ। इनमें से कोई भी स्वर विसर्ग से पहले होना चाहिए, और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, या फिर कोई स्वर, और या, रा, ला, वा और हा, इनमें से भी कोई अक्षर आता है तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो जाता है। अब वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या है? वर्ग कुल पांच हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो गया ग, घ, गा। चवर्ग का ज, झ, या। टवर्ग का ड, ढ, ण। तवर्ग का द, ध, न। और पवर्ग का ब, भ, म। रुत्व संधि के पहले नियम के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, मुनिः प्लस इति। अब यहां पर विसर्ग से पहले मुनि के नामे छोटी ई की मात्रा आई है। इसका मतलब है कि न तो छोटा आ आया है और न ही बड़ा आ आया है, और विसर्ग के बाद में भी इति का ई आया है, मतलब स्वर आया है, तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो जाएगा। मुनि प्लस रा प्लस इति, और अंत में जोड़ने से रा में छोटी ई जुड़ जाएगी तो वो री हो जाएगी, और मिलकर के मुनि रीति। दूसरा उदाहरण, भानु प्लस असौ। यहां पर भी भानु शब्द में जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटा ऊ आया है और बाद में स्वर आया है आ, तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो गया। भानु प्लस रा प्लस असो, यहां भी हलंत रा में आ जुड़ जाएगा तो पूरा रा हो जाएगा, और मिलकर के भानु रसो। तीसरा उदाहरण, वधूहु प्लस एशा। वधूहु में विसर्ग से पहले बड़ा ऊ है और बाद में ए स्वर है, तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो गया। वधु प्लस रा प्लस एशा, और रा में ए जुड़ गया तो रे हो जाएगा, और मिलकर के वधु रेशा। चौथा उदाहरण, हरिः प्लस अवदत। यहां पर भी विसर्ग से पहले हरि में छोटे ई की मात्रा है और विसर्ग के बाद भी स्वर आया है, तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो गया। हरि प्लस रा प्लस अवदत, मिलकर के हरि रवदत। रुत्व संधि के कुछ और उदाहरण, धेनुः प्लस गच्छति। अब धेनुः में विसर्ग से पहले छोटे ऊ की मात्रा आई है और बाद में आया है वर्ग का तीसरा अक्षर गा, कवर्ग का तीसरा अक्षर गा है ये, तो धेनु प्लस विसर्ग बदल करके हलंत रा,
प्लस गच्छति। अब जो आधा रा होता है वह ऊपर अगले अक्षर के ऊपर उसकी मात्रा लग जाती है, धेनुर्गच्छति, इस प्रकार से यह रूप बन गया। दूसरा उदाहरण हरेः प्लस द्रव्यम्। यहाँ पर विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर आया है दा, तवर्ग का तीसरा अक्षर दा है ये, तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो गया, हरे प्लस हलंत रा प्लस द्रव्यम मिलकर के हरेर द्रव्यम। तीसरा उदाहरण एतैहि प्लस भक्षितम्। यहाँ पर विसर्ग से पहले ता में ऐ की मात्रा है और विसर्ग के बाद वर्ग का चौथा अक्षर है भा, पवर्ग का चौथा अक्षर भा, तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो गया, एतई प्लस रा प्लस भक्षितम और मिलकर के एतैर भक्षितम। अगला उदाहरण गुरोः प्लस भाषणम्। अब विसर्ग से पहले ओ आया है और विसर्ग के बाद वर्ग का चौथा अक्षर भा, तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो जाएगा, गुरो प्लस रा प्लस भाषणम और मिलकर के गुरोर भाषणम। इस प्रकार से ये रुत्व संधि के पहले नियम के उदाहरण थे। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। रुत्व संधि का दूसरा नियम, यदि अव्यय या ऋकारांत शब्द के संबोधन के साथ विसर्ग हो और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कोई स्वर और या रा ला वा हा इनमें से कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग बदलकर हलंत रा हो जाता है। इसका मतलब है कि पहले नियम में क्या था, विसर्ग से पहले आ और आ इन दो अक्षरों को छोड़ करके बाकी सभी स्वर होने चाहिए थे, लेकिन इस नियम में आ और आ भी होंगे तब भी चलेगा। परंतु यहां पर क्या है, किन शब्दों के साथ, या तो वह शब्द अव्यय हो या फिर ऋकारांत शब्द का संबोधन में हो तभी यह नियम लागू होगा। रुत्व संधि के दूसरे नियम के उदाहरण देखते हैं। पहला पुनः प्लस अत्र। अब यहां पर पुनः क्या है, अव्यय है, अव्यय अर्थात जो शब्द बदलते नहीं हैं, न इनमें कोई विभक्ति होती है, न कोई लिंग होता है, न कोई वचन होता है, जो शब्द बदले ना उन्हें अव्यय कहते हैं। अब पुनः में क्या है, विसर्ग है और विसर्ग से पहले छोटा आ है, इसका मतलब है कि कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले और बाद में क्या आया है, फिर से स्वर आया है आ, तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो गया, पुनः प्लस रा प्लस अत्र, रा के साथ आ मिल जाएगा तो पुनरत्र। दूसरा उदाहरण प्रातः प्लस गच्छति। प्रातः भी अव्यय है और विसर्ग के बाद आया है वर्ग का तीसरा अक्षर गा, तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो गया, प्रात प्लस हलंत रा प्लस गच्छति और मिलकर के प्रातर गच्छति। तीसरा उदाहरण निह प्लस धनः। निह वैसे तो उपसर्ग है लेकिन उपसर्ग भी अव्ययों में आते हैं, तो विसर्ग बदल करके यहां पर हलंत रा हो गया क्योंकि बाद में वर्ग का चौथा अक्षर आया है धा, तो नी प्लस हलंत रा प्लस धनः और मिलकर के निर्धनः। चौथा उदाहरण दुह प्लस उपयोगः। दुह उपसर्ग है जो कि अव्यय कहलाता है, तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो गया क्योंकि बाद में स्वर आया है उ, तो दू प्लस हलंत रा प्लस उपयोगः, और रा में छोटा उ जुड़ गया तो वो हो गया रू, दुरुपयोगः। अब ऋकारांत शब्द के संबोधन के उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण पिता प्लस वंदे।
अब पिता ये संबोधन का रूप है, हे पिता होता है संबोधन में, और मूल शब्द क्या है पित्री। अब यहां पर विसर्ग से पहले आ आया है और विसर्ग के बाद में आया है वा, या रा लावा हा, बाद में यदि ये भी होते हैं तो विसर्ग बदल करके हलंत रा हो जाता है। पित प्लस रा प्लस वंदे और मिलकर के पितर वंदे। दूसरा उदाहरण माता प्लस वंदे, यहां पर भी मूल शब्द है मात्री, ऋकारांत शब्द का संबोधन में हो गया हे माता, तो माता प्लस वंदे विसर्ग बदल करके हलंत रा हो गया, मात प्लस रा प्लस वंदे मिलकर के मातर वंदे। इस प्रकार आज पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल विसर्ग संधि के अंतर्गत आपके लिए लेकर आया रुत्व संधि। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे पठत संस्कृतम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।